I think film ka ek safar hota hai. Film pehle to pre-production stage mein hoti hai, phir obviously shooting stage par aati hai. Uske baad bahut si cheeze hain, bahut se factors hain, jaise ki hum sab jante hain aaj. Theaters gine chune hain aur filmein itni sari ban rahi hain aaj, especially khas kar ki choti filmein jahan par you don't have Shah Rukh aur Salman, you don't have everything, you don't have a huge star in the film. You know, it gets difficult for a film to release aur bahut mehnat karni padti hai, to main daad deta hu unki. इन्होंने ऑब्वियसली इनके ब्लड स्वेट पैसा बहुत मेहनत लगती है एक फिल्म बनाने में, उसे रिलीज़ करने में, और ऑब्वियसली अनफॉर्चुनेटली वो फिल्म अगर अच्छी नहीं होती तो ऑडियंस उसे दो सेकंड में रिजेक्ट कर देती है. बट लेकिन हाँ, आई थिंक वन ईयर इज आई थिंक अ डिसेंट अमाउंट ऑफ टाइम कि फिल्म प्री प्रोडक्शन स्टेज से बने और उसके बाद रिलीज हो. आई डोंट थिंक कि फिल्म डिले इतनी हुई है. नहीं, डिले क्या, कोई भी फिल्म, आई डोंट थिंक, हाँ एक साल तो लगता है जाने के लिए, तो थोड़ा टाइम तो लगता है. पोजीशन अगर अच्छी बनानी है तो बिकॉज थिएटर्स मिलना मुश्किल है ना आज. मतलब आप अगर देखें तो ये इस फ्राइडे को भी फिर रजनी जी की फिल्म है और फिर इरफान सर की फिल्म है और फिर एक हॉलीवुड इज टेकिंग अ लॉट ऑफ स्पेस, अ लॉट ऑफ बिजनेस, और फिर रीजनल सिनेमा भी है, मराठी फिल्में भी हैं. तो वेयर डू वी गो, यू नो. तो यू नो, हम लोग यही होप करते हैं कि वर्ड ऑफ माउथ स्प्रेड हो फिल्म का और लोग फिल्म को पसंद करें, तो ऑटोमेटिकली फिर शोज हैं जो बढ़ जाते हैं. Hi everybody, I'm Shah Rukh. Watch me only on facebook.com/businessofcinema.